The remedy that we are going to discuss today is Lycopodium clavatum. ये रेमेडी जो है ये एक मॉस से बनाई जाती है और ये लाइकोपोडियेसी फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है, फॉर पर्सन्स इंटेलेक्चुअली कीन. लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा शार्प दिमाग का होता है बट फिजिकली वीक होता है. ठीक है, इसकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेसिएटेड होती है, मतलब मसल्स का लॉस होता है, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल. मतलब ड्रॉप्सी क्या होती है, जो बॉडी में इंटरस्टीशियल स्पेस में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे सेमी ड्रॉप्सिकल मतलब थोड़ा सा फ्लूइड का वहां पर अक्यूमुलेशन होता है. ठीक है, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो ज्यादातर लंग या फिर हेपेटिक इफेक्शन के लिए, मतलब लंग और लिवर की डिजीजेस के लिए हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको लाइकोपोडियम में 3 L's याद रखने हैं. ठीक है, एक तो ये लंग लिवर को इफेक्ट करती है एंड दिस इज ऑल्सो अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी. ठीक है, नाउ डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीजेस के लिए हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. पेन कैसा होता है, ड्रॉइंग और एकिंग टाइप का पेन होता है, चीफली राइट साइडेड, जिसमें एग्रेवेशन हो जाता है फ्रॉम 4 to 8 PM. ठीक है, सो जो रेमेडी होती है ये, सॉरी आई सेड इट बाय मिस्टेक, इट इज नॉट अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी, इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी. और यहाँ पर ज्यादातर जो कंप्लेंट्स होते हैं, थ्रोट कंप्लेंट्स हो गए, चेस्ट कंप्लेंट्स हो गए, वो सारे लेफ्ट साइड या राइट साइड के कंप्लेंट में पेन जाता है. ठीक है, चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा वीक और इमेसिएटेड होते हैं इसके, जिसमें वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडीज, मतलब पर्सन जो होता है या चाइल्ड जो होता है उसका हेड तो काफी अच्छे से डेवलप्ड होता है, बट वो पर्सन जो होता है, जो चाइल्ड होगा, उसकी बॉडी काफी ज्यादा सिक होती है. बेबी क्राइज ऑल डे एंड स्लीप्स ऑल नाइट. ठीक है, बच्चा जो होता है छोटा, वो पूरे दिन रोता रहता है और पूरी रात को वो आराम से सोता है. ठीक है, दिस इज रिवर्स ऑफ सोराइनम. ठीक है, प्रॉब्लम इसकी एंगर से, फियर की वजह से, मॉर्टिफिकेशन से बढ़ती है, या फिर रिजर्व डिसप्लेजर, मतलब कुछ गलती हुई, शांति से उसको प्रॉब्लम हो गई. मान लीजिए किसी की लड़ाई हो रही थी, किसी ने उसको कुछ बोल दिया, या फिर कुछ ऐसी बात थी जो उसको बुरी लगी पर उसने उसको मन में रख लिया. ठीक है, दैट इज रिजर्व डिसप्लेजर और उसकी वजह से कंप्लेंट्स आ जाती है. ठीक है, इसका जो पर्सन होता है वो एवरेशियस होता है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा, वो उसको सारी चीजें चाहिए होती है, माइजर होता है और इरिटेबल होता है. ठीक है, पीविश एंड क्रॉस ऑन वॉकिंग, अगली किक एंड स्क्रीम, इजली एंगर्ड, कैन नॉट इंडोर ऑपोजिशन और कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, तो पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा पीविश होता है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा होता है. ठीक है, हमेशा बहुत इजिली गुस्सा हो जाता है, उसको किसी दूसरे की बात, ऑपोजिशन की, कोई कुछ बोले कोई इसकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करे, बिल्कुल नहीं पसंद. ठीक है, और वो हमेशा सीक करता है डिस्प्यूट, मतलब हमेशा कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वो उसका पार्ट होता ही होता है. ठीक है, दिन भर रोता रहता है, कैन नॉट काम हरसेल्फ, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज वेन थैंक्ड. ठीक है, तो ये पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इवन उसको कोई थैंक्स बोलता है तो भी वो रोल कर जाता है इनटू टीयर्स. ठीक है, ड्रेड ऑफ मेन पर्सन, देखो ये चीज बहुत अलग सी है इस रेमेडी में, दैट इसको अपने आसपास कोई भी पर्सन नहीं पसंद है. ठीक है, उसको सॉलिट्यूड की डिजायर होती है बट वो चाहता है कि उसके दूसरे वाले रूम में कोई रहे, मतलब उसको सॉलिट्यूड तो चाहिए पर पूरी तरीके से नहीं, उसके अंदर सॉलिट्यूड के साथ, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड के साथ फियर ऑफ बीइंग अलोन भी है. ठीक है, तो ये काफी डिफरेंट सी सिचुएशन है. कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो डर्टी और अनहेल्दी इसकी स्किन होती है. ठीक है, और इसके जो पर्सन होता है वो लुक्स ओल्डर देन ही इज, उसकी एज जो होती है प्री मेच्योर ओल्ड एज, आप ऐसे समझ सकते हो इसको. और फैन लाइक मोशन होता है इसके एले नेजी में. ठीक है, मतलब जो इसकी नाक होती है उसका आगे वाला जो पार्ट होता है, मसल्स होती है,
उसके फैन लाइक मोशन होते हैं. दिस वी हैव स्टडीड इन एंटिम टाटास वेल. ठीक है, कैटेरा की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ड्राई कैटेरा मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है. इसकी जो नोज होती है वो रात को स्टॉप्ड अप हो जाती है और उसकी वजह से इसको माउथ से सांस लेनी पड़ती है. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अमोनियम कार्ब एज वेल. ठीक है, छोटा बच्चा कई बार ऐसा होता है कि वो ड्यूरिंग स्लीप अपने नोज को रब करता है किसी भी पिलो से या किसी भी चीज से, या फिर अगर चाइल्ड है वो क्रस्ट या फिर इलास्टिक प्लग्स जो है वो उसके नोज के पास इकट्ठा हो जा रहे हैं, क्रस्ट के फॉर्म में उसका नेजल डिस्चार्ज हो जा रहा है. सो वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी. ठीक है, डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है. अगर जो टॉन्सिल है उसमें जो डिपॉजिट है वो ब्राउनिश रेड कलर का है, ठीक है, और वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, कई बार डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल, तो भी हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ती किससे है, स्लीप की वजह से या फिर कोल्ड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. नाउ जीआईटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइकोपोडियम रेमेडी. तो यहाँ पर पर्सन जो होता है उसको सब कुछ सोर सोर टेस्ट करता है. ठीक है, या तो उसके इरक्टेशन है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम मतलब एसिडिटी की वजह से, या फिर वाटर ब्रैश. ठीक है, इसको खट्टी ढकारे आती है या फिर सोर इसकी वॉमिटिंग भी होती है. केनाइन हंगर, इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है और जितना ज्यादा ही ये खाएगा उसको उतनी ही ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है. ठीक है, और जब वो कुछ नहीं खाता है तो उसके सर में दर्द होता है. गैस्ट्रिक इफेक्शन, इसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट क्या क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस का अक्यूमुलेशन हो जाता है इसकी बॉडी में. ठीक है, गुड एपेटाइट बट अ फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट. ठीक है, इसको बहुत सारी भूख लगी रहती है लेकिन एक दो चम्मच खा के इसका पेट भर जाता है और इसको बहुत ज्यादा अब्डोमेन में फ्लोटिंग और ब्लोटेड सेंसेशन होती है. मतलब हमेशा ऐसा लगता है दैट इसके पेट में गैस का अक्यूमुलेशन है. ठीक है, लाउड ग्रम्बलिंग और क्रोकिंग साउंड इसके अब्डोमेन से आती है. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए, तीन रेमेडीज होती है, कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम. ठीक है, यहाँ पे सी सी एल है, कार्बो में सी के बाद ए है और चाइना में सी के बाद एच है. ठीक है, तो जो कार्बोवेज रेमेडी है इसमें अपर अब्डोमेन में गैसियस गैस का अक्यूमुलेशन होता है, चाइना में पूरे अब्डोमेन में होता है. ठीक है, होल अब्डोमेन में, और एल में लोअर अब्डोमेन मतलब लाइको में लोअर अब्डोमेन. तो इस तरीके से आप ये चीज याद रख सकते हो. ठीक है, फुलनेस इज नॉट रिलीव बाय बेल्चिंग. अगर इसका पेट है वो फुल फुल सा लगता है लेकिन उसको बेल्चिंग से आराम नहीं मिलता. कॉन्स्टिपेशन, अगर कोई फीमेल है या पर्सन है जो प्यूबर्टी के टाइम इसको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर अगर घर से दूर रह रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इसको पाइल्स भी डेवलप कर जा रहा है, देन वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी. लाइकोपोडियम में रेड सैंड यूरिन में मिलता है और बच्चा जो है वो यूरिनेशन के पहले रोता है. ठीक है, लाइकोपोडियम इज ऑल्सो अ वेरी नाइस रेमेडी फॉर रीनल कोलिक, या फिर रीनल स्टोन के लिए भी हम ये रेमेडी देते हैं. तो राइट साइड अगर रीनल कोलिक है तो हम लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर लेफ्ट साइड का रीनल स्टोन होता है देन वी गो फॉर बर्बेरिस. ठीक है, तो ये भी एक जो कंपैरिजन है ये आप याद रख सकते हो. अगर यंग मेल्स में एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स की वजह से इम्पोटेंस आ जा रहा है, और उसमें या फिर जो ओल्ड मेल्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर है बट इम्परफेक्ट इरेक्शन है, सो वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी. फीमेल की अगर हम बात करें तो एक तो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना है, इस फीमेल की वेजाइना बहुत ड्राई रहती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोइशन, और यहाँ पे फाइजोमेट्रा की भी प्रॉब्लम है मतलब अक्यूमुलेशन ऑफ सॉरी द डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस फ्रॉम वेजाइना. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है जो आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है. फीटस अपियर्स टर्निंग और समरसॉल्ट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो. ठीक है, राइट साइडेड हर्निया की अगर प्रॉब्लम है या फिर निमोनिया,
अब हमने अभी तक देखिए जो जीआईटी की इसकी सारी कंप्लेंट्स थी वो ज्यादातर बेसिकली अगर लिवर इफेक्टेड रहता है वो प्रॉपरली बाइल सेक्रेट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ही ज्यादातर एसिडिटी और ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम इसके लंग्स ट्रबल की बात करें तो निमोनिया का अगर केस है, ठीक है, बेस ऑफ राइट लंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर अब्सॉर्प्शन या एक्सपेक्टोरेशन को हेसन करने के लिए हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर्सन में बहुत ज्यादा डीप और हॉलो कफिंग होती है और थोड़ी सी भी जो म्यूकस है वो लार्ज क्वांटिटीज में उसको अफोर्ड करता है, मतलब एक्सपेक्टोरेट करता है, बट उसको थोड़ा सा ही रिलीफ मिलता है। इसकी एक फुट हॉट होती है एंड द अदर इज कोल्ड। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, इसका जो पर्सन होता है वो रात को उठता है उसको बहुत सारी भूख लग जाती है, ठीक है। दीज आर द रिलेशनशिप ऑफ लाइकोपोडियम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 4 से 8 बजे तक ज्यादातर इसकी डिजीज में एग्रेवेशन होता है और वार्म फूड और ड्रिंक से इसको आराम मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट लाइकोपोडियम। एग्जामिनेशन में इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज ईदर द सिम्टम्स ऑफ जीआईटी, ठीक है। इसके जीआईटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड ऑल्सो द सिम्टम्स रिलेटेड टू रीनल रीनल प्रॉब्लम, ठीक है। रीनल प्रॉब्लम के सिम्टम्स पूछे जाते हैं। समटाइम्स द सेक्शुअल सिम्टम्स ऑफ मेल इज ऑल्सो आस्क्ड इन द केस ऑफ लाइकोपोडियम, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन डू प्रिपेयर दीज सिम्टम्स ऑफ लाइकोपोडियम, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट लाइकोपोडियम। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।